नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गोलाड़ा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन का विकास इवोल्यूशन ज्योग्राफी ऑफ थॉट की चौथी सीरीज के अंदर हम आज यहां बात करेंगे हिकेटियस की। हिकेटियस से पहले हम यहां तीन विद्वानों की चर्चा कर चुके हैं, होमर, थेल्स और एनैक्सिमेंडर। उन तीनों की वीडियो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। हिकेटियस जिनका जन्म 520 ईसा पूर्व के अंदर मिलेटस में हुआ था, इससे पहले जो हमारे थेल्स थे, एनैक्सिमेंडर थे, वो भी हमारे मिलेटस के ही रहने वाले थे। हिकेटियस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यूरोप के एक तो राजनीतिज्ञ, जाने माने राजनीतिज्ञ थे, तथा इसके अलावा वो साहित्यिक गद्य के लेखक भी माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जेस पेरियोडोस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और ये जो पुस्तक आई थी ये दो पार्ट के अंदर आई थी, दो खंडों के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने संसार का सर्वप्रथम क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किया है, और उस क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन के कारण ही इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। कई दफे ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि भूगोल के पिता कौन है हिकेटियस। अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो इरेटोस्थनीज को मानते हैं, तो वो हमेशा आंसर आपका गलत होगा। नेक्स्ट, इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने जो भूमध्य सागर के आसपास के देश थे, द्वीप थे, अंतरीप थे, इनका इन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया, और वही वर्णन इनका कहलाता है पेरिपल्स या तटीय सर्वेक्षण। इनकी जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक प्रादेशिक भूगोल की पुस्तक मानी जाती है, ये एक तरह से प्रादेशिक भूगोल का ग्रंथ माना जाता है। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने जो संसार का मानचित्र प्रस्तुत किया पृथ्वी का, इसको वर्ताकार माना, और वर्ताकार जो हमारी पृथ्वी थी उस वर्ताकार पृथ्वी के बीच में इन्होंने यहाँ पर यूनान को केंद्र में माना, यानी इन्होंने अपने मानचित्र के अंदर यूनान को केंद्र के अंदर दर्शाया, तथा इनका जो मानचित्र था वो चारों ओर से वर्ताकार आकृति में और ओशियन रिवर से घिरा हुआ था, महासागर नदी से घिरा हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने अपना एक मानचित्र भी बनाया था, वो तांबे के ऊपर बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैस्पियन सागर, इनके समय कैस्पियन सागर को ये हर्सेनियन कहते थे। कैस्पियन सागर अपने मानचित्र में यहाँ पर पूर्वी दिशा में बताया, और ये पूर्वी महासागर से जुड़ा हुआ इसको यहाँ पर बताते थे। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर नहीं मानते थे, हालांकि बाद में जाकर के अनेक भूगोलवेत्ताओं ने कैस्पियन सागर के अंदर जहाज चलाकर के इसकी खोज की और इसको आंतरिक सागर कहा, लेकिन हिकेटियस तक इसको पूर्वी महासागर की खाड़ी समझा जाता था। इसके अलावा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के बीच में ये जो भूमि फैली है, इसको हिकेटियस ने मेदिया नाम दिया था। मैंने यहाँ नीचे लिखा है मेदिया। कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के बीच में जो भूमि फैली थी इसको मेदिया नाम दिया, और इसी मेदिया के अंदर यहाँ पर इंडस नदी, इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी यहाँ पर बहती है। भारत और सिंधु नदी के बारे में अगर सर्वप्रथम अपने मानचित्र में वर्णन प्रस्तुत करते हैं तो वो हिकेटियस है। निकेटिस से पहले होमर, थेल्स और एनैक्सिमेंडर ने इनका वर्णन प्रस्तुत नहीं किया था। नेक्स्ट, हिकेटियस ने नील नदी के अंदर यात्रा की और वह थेब्स तक पहुंचा। ये नील नदी, इसके सारे सारे वो गया थेब्स तक पहुंचा, और वो नील नदी का जो उद्गम बताते हैं वो दक्षिणी महासागर को बताते हैं। नील नदी के ऊपरी सिरों के अंदर वो यहाँ पर निग्रो और पिग्मी जनजातियों का निवास बताते हैं। ये आज भी हमारे सामने है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अत्यधिक घना जंगल जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। इस पिग्मी जनजाति का उस समय 520 ईसा पूर्व में भी हिकेटियस ने वर्णन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हिकेटियस भौतिक भूगोल पर बल देता है, ये भौतिक भूगोल का समर्थक था। हम इसमें देखेंगे जब हम अनेक भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित है, तो कुछ भूगोलवेत्ता भौतिक भूगोल से संबंधित है। ये भौतिक भूगोल का समर्थक था, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है भौतिक भूगोल पर ये बल देते थे। तथा मानचित्र में भारत व इंडस यानी सिंधु नदी को इन्होंने प्रदर्शित किया है। इन्होंने अपने मानचित्र में यहाँ पर डेन्यूब, ईस्टर नदी, डेन्यूब को उस समय क्या कहते थे ईस्टर, और नीपर नदी जो वर्तमान में नाम है नीपर, उसका पुराना नाम था बोरस्तनीज। तो डेन्यूब और नीपर नदी को इसने अपने मानचित्र में दर्शाया, ये यहाँ पर ईस्टर नदी और ये यहाँ पर बोरस्तनीज नीपर नदी, इसको अपने मानचित्र में प्रदर्शित किया। ये दोनों नदियां युग्जियन सागर में गिरती हैं।
युगजीन सागर जो कि वर्तमान में काला सागर है, इस काला सागर को पहले युगजीन सागर या एजियन सागर के नाम से जाना जाता रहा। युगजीन सागर की मां के तौर पर कहते थे अजव सागर को। यहां पर अजव सागर के अंदर जो वर्तमान में हम डोन नदी कहते हैं, डोन नहर कहते हैं, वोल्गा डोन नहर, तो ये जो डोन नदी है इसको तनाइस के नाम से जानते थे। तनाइस नदी यहाँ अजव सागर में गिरती थी और ईस्टर और बोरसनी नदियां दोनों युगजीन सागर के अंदर गिरती थी। तथा एड्रियाटिक खाड़ी के शीर्ष पर यहाँ पर स्त्री जनजाति स्त्री ट्राइब्स का भी वर्णन इन्होंने दिया है। इसके अलावा आर्मेनिया की मातेनी जनजाति, ये जो यहाँ पर आर्मेनिया है, इस आर्मेनिया के ऊपर यहाँ पर मातेनी जनजाति का भी वर्णन एरेटोस्थनीज ने किया है। इसके अलावा हिकेटियस ने अपना जो मानचित्र प्रस्तुत किया इस मानचित्र को दो भागों में विभाजित करके, जैसे इनकी पुस्तक आई थी जिस पेरियडोस दो पार्ट में, तो प्रथम पार्ट में तो इन्होंने वर्णन किया था यूरोप का और दूसरे पार्ट में वर्णन किया लीबिया अफ्रीका सहित एशिया का। उस समय जो अफ्रीका था वो लीबिया के नाम से जाना जाता था, तो आदि जो उसका दूसरा खंड था वो लीबिया अफ्रीका सहित एशिया और जो प्रथम पार्ट था वो यूरोप से संबंधित था। यूरोप का विस्तार इन्होंने एशिया और अफ्रीका के बराबर बताया था तथा इन दोनों के बीच का जो विभाजन वो करता था, वो करता था हेलेसपोंस युगजियन। यहाँ पर युगजियन और कास्पियन के बीच में यहाँ पर ये जो जगह है ये काकेशस पर्वत है, तो काकेशस और कैस्पियन सागर को लेकर के ये यूरोप और एशिया अफ्रीका के बीच की सीमा निर्धारित करता था। इसके अलावा इनकी एक दूसरी पुस्तक और आई थी, वो पुस्तक थी डिस्कशन ऑफ द अर्थ। ये अलग से इसकी एक यहाँ पुस्तक और आई थी डिस्कशन ऑफ द अर्थ। इस प्रकार से हिकेटियस का हमारे भूगोल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे आशा है कि आपको ये मैटर अत्यंत लाभ पहुंचाएगा। आप इस मैटर को अपनी कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।